हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों आज हम एक बात करने वाले एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में, एक ब्रोकर के बारे में, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जब मैंने इन्हें टेस्ट करा और मैंने चला के देखा। सो बेसिकली जो लोग इंटरेस्टेड हैं इंट्राडे करने में, जो बेसिकली इंट्राडे ही करते हैं, उनके लिए ये फायर्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बहुत सही ऐप है। और इस ऐप के थ्रू जनरली आप लोगों को मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप ऐप के थ्रू जाके ट्रेड करो, मैं आपको कहता हूँ कि डेस्कटॉप पे वेब पे ही आप जाके ट्रेड करो और चार्ट्स को आइडेंटिफाई करो। बट बेसिकली अब आप ऐप के थ्रू भी काम कर सकते हो और कंपेयर कर जाए तो आपको पता है कि मैं ज़ीरोधा में अभी काम करता था, बट ज़ीरो से ज़्यादा अच्छा मुझे इंट्राडे के लिए और ऐप को कंपेयर करा जाए तो मुझे फायर्स का ऐप सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो हम लोग सीधा उस फायर्स पे आपको एक बार स्टडी दिखा देते हैं। तो एक बार मैं इसका आपको दिखा देता हूँ कि ये इसका वेब का प्लेटफॉर्म है बेसिकली, और सिंगल विंडो के अंदर, एक सिंगल स्क्रीन के अंदर आपको यहाँ पर सारा डाटा प्रोवाइड करवाता है। एक खास बात मैं आपको इसमें और बताना चाहूँगा, वॉच लिस्ट पे बहुत सारे लोग जो नए होते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, उनको वॉच लिस्ट बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, ठीक है, और वो वॉच लिस्ट बना नहीं पाते तो उसकी वजह से उन लोगों को ट्रेड्स लेने में दिक्कत आती है। तो फायर्स ने क्या कर रखा है कि फायर्स के थ्रू अगर आप लोग अकाउंट खुलवाते हैं तो यहाँ पर आपको इनबिल्ट वॉच लिस्ट प्रोवाइड होंगी। जैसे कि अगर आप यहाँ पर वॉच लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको इनबिल्ट ढेर सारी वॉच लिस्ट है, निफ्टी 50, निफ्टी ऑटो, निफ्टी बैंक, निफ्टी कमोडिटीज, फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बैंक निफ्टी के, सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड है। इनबिल्ट आपको वॉच लिस्ट प्रोवाइड करवाई जाती है, आप किसी पे भी क्लिक कर लो, आप निफ्टी ऑटो पे क्लिक कर लो, सारे ऑटो के स्टॉक्स आपके पास आ जाएंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ट्रेडिंग टूल्स हैं ड्राइंग के, जहाँ पर आप एक तरीके से पूरे ड्राइंग के टूल्स कर सकते हैं। आपको अलग साइड में नहीं जाना पड़ेगा ट्रेडिंग टूल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और ढूंढने के लिए। एक खास बात और है इस पे पर्टिकुलरली अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि नीचे आपको ये डैशबोर्ड प्रोवाइड हो रहा है, इस डैशबोर्ड के नीचे आप पोजीशंस देख सकते हैं, ऑर्डर्स देख सकते हैं, ऑल पोजीशन, ट्रेड्स, होल्डिंग्स, फंड्स, ये सारी चीज़ें, मतलब एक सिंगल स्क्रीन के अंदर आपको यहाँ पर आपकी पोजीशन दिखा रहा है, आपके ऑर्डर्स दिखा देगा कि आपकी अभी पोजीशन क्या चल रही है, कौन से आपकी पोजीशन चल रही है। एक खास बात और है इस पर, फॉर एग्जाम्पल इंट्राडे पे आप 5-10 पर्टिकुलर ट्रेड्स लेते हो, ठीक है, और अब आपको एग्जिट करना होता है तो आपको सिंगल क्लिक करना पड़ता है और आपको फिर एग्जिट बटन दबाना पड़ता है। तो यहाँ पर फायर्स ने क्या ऑप्शन रखा हुआ है, यहाँ पर आप टॉप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एग्जिट पोजीशन का है। तो जैसे आप एग्जिट पोजीशन करेंगे तो आपकी जितनी भी ओपन पोजीशंस होगी एक ही क्लिक में एग्जिट हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको बार बार नीचे जाके एक एक करके एग्जिट नहीं करना पड़ेगा, आपको लगे कि यार मेरा पर्टिकुलर जो पोजीशन है वो अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है, आपने सीधा एग्जिट पोजीशन पे गए और यस क्लिक कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक सिंगल स्क्रीन के अंदर प्रोवाइड हो रही है। और पहली बात, इन्होंने पार्टनरशिप कर रखी है ट्रेडिंग व्यू से, तो आप लोगों को पता ही है कि मैं पूरा का पूरा जो चार्ट्स आइडेंटिफाई करता हूँ, जो लोग मेरे थ्रू यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैं चार्ट्स आइडेंटिफाई ट्रेडिंग व्यू पे करता हूँ, ज़ीरोधा पे नहीं करता। बट अब इन्होंने भी पार्टनरशिप कर रखी है और बहुत अच्छे से इन लोगों ने मेंटेन कर रखा है ट्रेडिंग व्यू को, तो यहाँ पर भी अब आप लोग काम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपने उन्हें चार्ट्स आइडेंटिफाई करे, इस पर आपको बाय लगा, आपने सीधा यहाँ पर बाय को क्लिक करा, आपने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है। जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो यहाँ पर आपका बाय हो जाएगा, जो भी आपके टारगेट्स होंगे आप तुरंत यहीं पर ही चेंज कर सकते हैं चार्ट्स पे, आपको यहाँ पर प्रॉफिट देखे और आप सीधा एग्जिट पोजीशन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक सिंगल स्क्रीन के अंदर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं। एक खास बात इस पर और है, ये ज़ीरोधा पे भी है, जैसा कि आप लोगों को पता है। आपको पता है कि मैं कंपेयर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उस पर शुरुआत से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो पर मैं जब उसमें शिफ्ट हो रहा हूँ फायर्स पे तो मेरा फ़र्ज़ है आप लोगों को बताना कि मैं क्यों शिफ्ट हो रहा हूँ। तो 30 डेज चैलेंज जैसा कि आप देख रहे हैं, तो ये एक पर्टिकुलरली आप देख सकते हैं ज़ीरोधा में भी है। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ क्लिक करके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 30 डेज चैलेंज है, और ये बिगनर्स के लिए और जो लोग मार्केट पर स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत बढ़िया चैलेंज है। क्यों चैलेंज बहुत बढ़िया है कि आप लोगों को 30 डेज के अंदर ट्रेडिंग करनी है इस पर्टिकुलर फायर्स पे, जो भी आप ट्रेड्स लेंगे या प्रॉफिट हो या लॉस हो, एंड में देखा जाएगा 30 डेज जैसी कंप्लीट होंगे एंड में देखा जाएगा क्या आपने पूरे 30 डेज के अंदर प्रॉफिट अर्न करा है या नहीं अर्न करा है। इन दी एंड आप में प्रॉफिट में निकले हो या नहीं निकले हो, अगर आप प्रॉफिट में निकलते हो तो आपने 30 दिन के अंदर जितनी भी ब्रोकरेज दी होगी एंटायर ब्रोकरेज आपकी रिफंड कर देता है फायर्स। सो बेसिकली बहुत बढ़िया सिस्टम ये लेकर आए 30 डेज चैलेंज। जो भी बिगनर्स है, एक तो उनका टेस्ट भी हो जाएगा क्या वो मंथ के एंड में प्रॉफिटेबल है या नहीं है,
प्लस उन्हें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट भी प्रोवाइड हो जाएगा कि उनकी इंटायर ब्रोकरेज भी रिफंड हो जाएगी। तो FIS की तरफ से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और मैं सीधा अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, जो मुझे ऐप में पसंद आया मैं ऐप के थ्रू जाता हूँ और ऐप में आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने FIS का एक ट्रेडिंग ऐप को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। बेसिकली कुछ ही इस तरीके का दिखता है जब आप पहली बार लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको कहता है क्रिएट योर वॉच लिस्ट, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था शुरुआत में कि FIS बिगनर्स के लिए बहुत बढ़िया चीज़ करता है कि उन्होंने पहले से ही आप लोगों के लिए वॉच लिस्ट डेवलप करके रखी हुई है कि आपको बार बार ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप नीचे देख सकते हैं आपको वॉच लिस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, पर्टिकुलर उसके आगे आपको ऑर्डर्स का दिख रहा है जो आपने एग्जीक्यूट करे हैं, यहाँ पर आपकी पोजीशंस और होल्डिंग्स शो करते हैं। यहाँ पर ये एक सपोर्ट सिस्टम है और जो भी नोटिस आते हैं कॉर्पोरेट एक्शन के नोटिस आ गए या कुछ भी आ गए, ये सारी चीज़ें, इकोनॉमिक कैलेंडर है, सारी चीज़ें यहाँ पर, मैं आगे इस पर भी बात करूँगा। ये पर्टिकुलर हमारा फंड ट्रांसफ़र का हो गया, ऐड या फंड विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सीधा सबसे पहले वॉच लिस्ट पर आते हैं। तो वॉच लिस्ट पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से आपको प्लस आइकन शो कर रहा है, प्लस आइकन पे आपने क्लिक करना है। आपको क्या टाइप करना है, निफ्टी, सिर्फ आपको निफ्टी टाइप करना है। जैसे आप निफ्टी टाइप करेंगे देख सकते हैं आपके पास मल्टीपल ये आ चुके हैं इंडेक्स, ये इंडेक्स होते हैं मल्टीपल इंडेक्स, यहाँ पर ये शो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि यार मैं बैंकिंग सेक्टर पर ट्रेड करना चाहता हूँ आज, तो निफ्टी बैंक आपको दिख रहा है, सीधा आपको निफ्टी बैंक पर क्लिक करना है। नीचे आपको ऐड का ऑप्शन दिख रहा है, आपको ऐड करना है। जैसे ही आप ऐड करेंगे निफ्टी बैंक्स के सारे वॉच लिस्ट में जो भी स्टॉक्स होते हैं निफ्टी पे, वो सारे आपको यहाँ पर शो कर जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं दोबारा अगर आप ऐड पे जाते हैं, आप दोबारा निफ्टी डालते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मुझे निफ्टी फार्मा में ट्रेड करना है क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मैं निफ्टी फार्मा में गया, मैंने ऐड करा और निफ्टी फार्मा के जितने भी स्टॉक्स हैं वो सारे यहाँ पर मुझे शो कर रहे हैं, ठीक है। आप प्लस में जाके सारे अपनी निफ्टीज़ के ऐड कर सकते हैं, निफ्टी आईटी ऐड कर सकते हैं, तो ये आपके पास पहले से ही मल्टीपल बनी हुई रह जाएगी, देख सकते हैं। अब आपको निफ्टी बैंक में कुछ और भी ऐड करना है तो आप सीधा सर्च पे जाएंगे और अगर आप ऐड करना चाहते हैं बेसिकली मारुति का स्टॉक ऐड करना चाहते हैं, तो आप मारुति के स्टॉक को भी सीधा आपको मारुति सर्च करना है। उसके बाद आप यहाँ पर प्लस आइकन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, आप अपने आप उसे ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब मारुति अपने आप नीचे ऐड हो चुका है, ठीक है। तो ये आप अपनी वॉच लिस्ट बना सकते हैं। ऑलरेडी आज से ने आप लोगों को बहुत सारी वॉच लिस्ट दे रखी है, अब पर्टिकुलर हमें नई वॉच लिस्ट क्या बनानी पड़ती है, फॉर एग्जांपल इंट्राडे स्टॉक्स की, कि इंट्राडे में मुझे कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड करना है। फॉर एग्जांपल हम लोग 5 स्टॉक्स पे ट्रेड करते हैं, तो मैंने ऐड करा, मैंने अपनी थॉरली रिसर्च करी अपने पर्टिकुलर FIS के अकाउंट पे, प्लेटफॉर्म पे, चार्ट्स अकाउंट पे। उसके बाद मैंने 5 स्टॉक जैसे ही सिलेक्ट करे मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ और निफ्टी और बैंक निफ्टी प्लस ऐड कर सकता हूँ। फिर मैं उनको पर्टिकुलर ऑब्जर्व कर सकता हूँ और उसके थ्रू ट्रेड भी ले सकता हूँ, ठीक है। अब पर्टिकुलर जैसे मुझे ट्रेड करना है HCL टेक पे, तो मुझे इसकी परफॉर्मेंस देखनी है कि मतलब ये क्या कर रहा है। तो HCL टेक पे मैं क्लिक करूँगा, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन हाई लो एंड प्रीवियस क्लोज आपको शो कर रहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुछ नए लोग होते हैं वो किस स्ट्रैटेजी से परफॉर्म करते हैं कि ओपन और लो अगर सेम होता है तो हम लोग बाय की तरफ जाते हैं, ओपन और हाई सेम होता है तो हम लोग सेल की तरफ जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। तो ये बिल्कुल सामने सामने आपके सामने विजिबल है तो आप लोगों को ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। नीचे आपको ये वॉल्यूम्स दिखा देता है कि कितने एवरेज प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, कितने वॉल्यूम्स पे ट्रेड हो रहा है, प्लस यहाँ पर आपको ये ट्रेंड बता देता है, ये पर्टिकुलर एक ग्राफ है, इस ग्राफ के थ्रू ट्रेंड बता देता है। और अगर हम और हल्का सा नीचे बढ़ते हैं, स्क्रोल करते हैं, तो इसी पे आपको मार्केट डेप्थ भी बता देता है, ठीक है। यहाँ पर आपको फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स बता देगा, फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स प्लस कॉर्पोरेट एक्शन, कोई डिविडेंड आया, कोई बोनस दिया इसने, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखा देता है एक पर्टिकुलर क्लिक पे, ठीक है, एक पर्टिकुलर क्लिक पे वो दिखा रहा है। अब देखिए अगर आप लोगों को ऑप्शन चेंज देखने पड़ते हैं, फ्यूचर्स के वो कॉन्ट्रैक्ट्स देखने पड़ते हैं, आपको बार बार NSE की वेबसाइट पर जाना पड़ता है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए इन्होंने बात सिंपल कर दी, पर्टिकुलर मोबाइल ऐप में भी ये बात सिंपल कर दी। ऑप्शन चेंज दिख रहा है आपको, साइड में सेलेक्ट डेट करना है, सेलेक्ट डेट पर हमने जैसे ही क्लिक करा तो वहाँ पर ये हमें क्या बताएगा कि फॉर एग्जाम्पल हमें 29th of 10th को जो करना है वो अगले महीने का, हमने क्लिक करा तो हमारे पास पूरी की पूरी ऑप्शन चेन उसकी आ जाएगी और हम उसको देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉल एंड पुट है, स्पॉट प्राइस आपको यहाँ नीचे दिख रहे हैं, अब ये सारी चीज़ें देख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें शो कर रही हैं,
इनको आप सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके देख के आप पूरा ट्रेड ले सकते हैं। तो एक सिंगल आपको क्लिक पे सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा है। अब कुछ टूल्स भी इन्होंने प्रोवाइड करवा रखे हैं, ऐड टू स्लॉट वन, ऐड टू स्लॉट टू, मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या मतलब है। टूल्स की अगर हम बात करें तो रिसर्च पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये रिसर्च पूरा फंडामेंटल्स है, ये कंपनी की वैल्यूएशंस को लेके, कंपनी की परफॉर्मेंस को लेते, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेके, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या डिमांड बाय में है कि नहीं है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताता है। और अगर हम टेक्निकल मीटर में चाहते हैं तो ये एक पर्टिकुलर ऐसा मीटर है जो हमें बताता है कि क्या ये अभी बाय जोन में है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें कंपेयर करती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस फॉर HCL टेक। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा साइड करके अगर 1 आवर पे जाता हूँ तो 1 आवर पे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 आवर पे अभी ये कह रहा है बाय। अब बाय बता रहा है तो दिखा रहे हैं 1 सेल इंडिकेटर्स हैं, एक सेल बता रहे हैं, 17 बाय बता रहे हैं। सो बेसिकली इसका टेक्निकल मीटर भी अभी तक का सही परफॉर्म कर रहा है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं। अगर आप HCL टेक को देखोगे भी तो वो भी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम पीछे जाते हैं, ये सारी चीज़ हम लोगों ने देख ली हैं। अब इस पर्टिकुलर ऐड टू स्लॉट वन, ऐड टू स्लॉट टू का मतलब क्या था, यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड में टॉप पे आपको एक एरो दिख रहा है। अगर आप उस एरो को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके जो भी फेवरेट्स होते हैं, स्लॉट वन पे है निफ्टी 50 का इंडेक्स, स्लॉट टू पे है निफ्टी बैंक का इंडेक्स। तो ये आप एक पर्टिकुलर क्लिक पे आप ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के देख सकते हैं फेवरेट्स, और आप ऊपर आपको दिखा देगा कि आपके पास कितनी फंड्स अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपको निफ्टी बैंक को हटा के अगर आपको HCL टेक लगाना है तो आप सीधा यहाँ नीचे जाएंगे, आप ऐड टू स्लॉट टू करेंगे और उसके बाद आप दोबारा यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं निफ्टी बैंक की जगह हट के HCL टेक आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं तो आता है ऑर्डर्स। ऑर्डर्स पे आपको पता है दो तरीके के होते हैं, पेंडिंग और एग्जीक्यूटेड। जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे वो सारे आपको यहाँ विजिबल होंगे, एग्जीक्यूटेड होंगे जो आपके एग्जीक्यूट हो चुके होंगे। जो आपके ब्रीफ केस टाइप दिख रहा है ये पोर्टफोलियो है, बेसिकली जो भी आपकी ओपन पोजीशंस होंगी वो यहाँ शो करती है, होल्डिंग्स आपकी यहाँ पर शो करती हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है आपको। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको अपने आप पता चलते रहेगा आप लोग कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है। तो ये सपोर्ट हो गया, एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट, बेसिकली फायर्स के बारे में आपको सारी चीज़ें जाननी है जो भी है, और नोटिस बोर्ड हो गया, जो भी की नई पॉलिसीज आती हैं, ऑफर्स आते हैं, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। माय अकाउंट के अंदर अगर आप क्लिक करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर अपने रिपोर्ट्स को देख सकते हो, लेजर्स को देख सकते हैं, और भी सारा स्टफ है। ट्रेडिंग व्यू विजिट के अंदर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप इकोनॉमिक कैलेंडर देख सकते हो, फॉरेक्स के रेट्स देख सकते हो, प्लस फंडामेंटल एंड टेक्निकल विजिट्स देख सकते हो जो मैंने आपको अभी दिखाया है, ठीक है। तो ये बेसिकली सारा एक पर्टिकुलर ऐप के अंदर आपको सब कुछ प्रोवाइड करवाने की कोशिश करिए, बिल्कुल सिंपल और इजी वे में प्रोवाइड करवाने की कोशिश करिए। तो मैं आपको कहूँगा कि एक बार इसको आप ट्राई कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको इस पे अकाउंट खुलवाना है तो डिस्क्रिप्शन पे अकाउंट का लिंक है, आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली वहाँ पर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, और आपको अकाउंट ओपन करवाएंगे तो आपको वेरियस बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं मेरी तरफ से, जो कि मैं आपको आने वाली वीडियो में जल्दी ही बताऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड, हमारे साथ बने रहिएगा। ये पर्टिकुलर था पूरा फायर्स के ऊपर, और जेन्युइनली बताइए कि अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो या ना लगा हो, क्योंकि मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आप लोगों को पता है हमें ट्रेडिंग व्यू पर अपने चार्ट्स को रिसर्च करते हैं, प्लस हमें ज़ीरोधा पे जाके ट्रेड लेना पड़ता है। जब एक सिंगल स्क्रीन के अंदर, एक सिंगल विंडो के अंदर, एक सिंगल टैब के अंदर अगर हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड हो रही है, ईजिएस्ट वे है ट्रेड करने का, सो वाई शुड वी नॉट डू इट। सो एक सारी चीज़ें आप लोगों के सामने ही है, सब कुछ आपके सामने रखा गया है। तो यहाँ पर अब आप तो ज़ीरोधा से कंपेयर करते हुए फायर्स मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो अपने व्यूज़ मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, और अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोगों को पता है डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप जाके अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। 400 प्लस GST लगता है, सबसे ज़्यादा सिंपल है 472 के आसपास की कॉस्ट आती है, बट इस पर आप कमोडिटी, फॉरेक्स एंड इक्विटी सब में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़ीरोधा के मुकाबले चार्जेस भी थोड़े कम हैं इसके, बट यही था मेरा बताना। और इसी के साथ वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पसंद आई तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, और हम मिलते हैं अगली वीडियो पे। साइनिंग ऑफ़।